एक कलश में चार लाल तथा चार काली गेंदे हैं, ठीक है, उनमें से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करके करने के बाद पुनः उसी कलश में रख दी जाती है, ठीक है भाई। तो चार लाल है और चार काली है, कुल मिला के आठ गेंद है, एक निकाली जाती है और इसका रंग नोट करने के बाद पुनः उसी कलश में रख दी जाती है। तो अगर इससे हमें मान लो निकालनी हो लाल गेंद निकालने की प्रयत्न, चार बटे आठ यानी एक बटे दो ये भी हो जाएगी, और यहीं से अगर काले को भी निकालनी है काले गेंद के होने की प्रायिकता तब भी वही आएगा एक बटे दो। अभी उसके बाद वो कह रहा है कि पुनः निकाले गए रंग की तीन अतिरिक्त गेंदे कलश में रख दी जाती हैं, ठीक है ना, तीन अतिरिक्त कलश में रखने, और तीन अतिरिक्त जब रखी जाती है तो कुल हो जाती है ग्यारह, कुल ग्यारह गेंद, ग्यारह में से ये कह रहा है कि तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है, दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है ना। तो निकाली गई गेंद तीन अतिरिक्त जोड़ी जाती है, मतलब लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो जो अतिरिक्त गेंदे हैं वो होंगी लाल, ठीक है, अतिरिक्त गेंदे टोटल जो होंगी वो लाल वाली होंगी। तो लाल अगर हम यहां देखें तो बन जाएंगी सात, चार पहले से थी, तीन और रख दी गई अतिरिक्त, और काली रहेगी चार जितनी थी, ठीक है, और कुल ग्यारह है हमारे पास। अब यहां से हम अतिरिक्त जब रख चुके हैं उसके बाद हम लाल होने की प्रायिकता निकालेंगे, लाल होने की प्रायिकता तो सात बटे ग्यारह, और काले रंग के होने की प्रायिकता चार बटे ग्यारह। पूछा गया है लाल रंग के होने की प्रायिकता, तो लाल के लिए निकालेंगे, तो हमने कहा था जो ये वो संपूर्ण प्रायिकता वाला बनेगा दोनों घटनाओं को ऐड करना होगा, ठीक है ना। तो लाल होने की प्रायिकता वन बाई टू और इंटू लाल होने की प्रायिकता ये वाली जब अतिरिक्त हो गई, प्लस काले होने की प्रायिकता और काले होने की प्रायिकता, सॉल्व कर लीजिए नोट। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर चार कर रहा है, नरेश ने किसी कार्य को करने का ठेका लिया, हड़ताल होने की प्रायिकता 0.56 है, और समय से कार्य पूरा होने की प्रायिकता यदि हड़ताल ना हो तो इतनी है और यदि हड़ताल हो तो इतनी है। तो कह रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि काम समय पर पूर्ण। तो मान लेते हैं कि कार्य समय पर पूर्ण होने की घटना ए मान लेते हैं, और हड़ताल होने की प्रायिकता को मान लेते हैं बी, ठीक है। तो कह रहा है कि नरेश ने किसी कार्य को करने का ठेका लिया, हड़ताल होने की प्रायिकता है 0.56, तो बी बराबर दिया है 0.56, हमें निकालना है हड़ताल ना होने की प्रायिकता, तो बी नॉट हो जाएगा, इसको कर सकते हैं वन माइनस, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वन माइनस 0.56 घटा लेंगे जो भी है वो अपना लिख लीजिए। इसके बाद गलत हुआ, सवाल है कि समय से कार्य पूरा होने की प्रायिकताएं यदि हड़ताल ना हो, ठीक है, और यदि हड़ताल हो तो इतना, हड़ताल होने की प्रायिकता इतनी है और कार्य की इतनी, चलिए ठीक है कोई बात नहीं।
तो अब इतना पता चल गया, इससे हम एक काम और कर लेते हैं कि मान लो यदि हड़ताल होती है, ठीक है ना, बी जो है वो हड़ताल होने की प्रायिकता, अगर हड़ताल होती है तो काम कितने समय पूर्ण होगा। एक काम हो चुका है, ठीक है ना, एक घटना घटी, हड़ताल हुई, तो हड़ताल हो गई तो उसके काम पूरा होने की प्रायिकता पूछ रहा है। इसके लिए हमने क्या बताया था, क्या करना है, फार्मूला कुछ बताया है, ठीक है, कुछ नहीं बताया था। अरे संपूर्ण प्रायिकता वाला लगेगा, लेकिन पहले इसमें प्रायिकता दी गई है कि जब हड़ताल हो तो प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, हड़ताल अगर होगी तो प्रायिकता बनेगी उसकी कार्य पूरा होने की 0.30 दिया गया है। इसके बाद मान लेते हैं कि यदि हड़ताल नहीं हुई है तो इसको चाहे इस वाले डैश से करिए चाहे इससे करिए, ठीक है ना, तो कार्य कब पूरा होगा, तो होगा 0.75 इसमें, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कार्य पूर्ण होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी हड़ताल हुई है तब का, ठीक है ना, तब ये इस तरीके से, प्लस हड़ताल नहीं हुई है, और जब नहीं हुई है, एक काम हुआ है कि हड़ताल नहीं हुई तो कार्य पूरा होने की प्रायिकता, ये सब कुछ आपको दिया गया है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका सवाल नंबर 4, नोट करिए फटाफट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें नंबर में कह रहा है कि एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 5 में से 4 बार सत्य बोलता है, ठीक है, वह एक पासे को उछलता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 5 है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या 5 है, ठीक है ना, एक पासे को उछालता है। चलिए ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना 5 बताने की घटना ए है, इसको 5 आने की घटना बी है, 5 ना आने की घटना सी है, क्योंकि जब पासा उछालता है तो यही बता रहा है कि 5 आ रहा है, तो दो घटनाएं होंगी। अब 5 में से 4 बार सत्य बोल रहा है, तो एक बार असत्य बोलेगा, तो असत्य तब बोलेगा जब एक बार 5 ना आया होगा, ठीक है ना, और 5 आया होगा तभी 5 आने की बता रहा है, तो हमने अभी घटनाएं मान ली कि इसका ए, इसका बी और इसका सी है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं सवाल की ओर, तो सवाल में ये कह रहा है कि 5 में से 4 बार सत्य बोलता है, चलिए ठीक है, फिर वह एक पासे को उछालता है और बताता है कि उस पर आने वाली संख्या 5 है, तो बताने के लिए तो हम बाद में बात करेंगे कि बता रहा है तो 5 है कि नहीं है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है, पहले में ये देखना है कि 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। 5 आने की प्रायिकता, ठीक है भाई, अगर पूछा जाए आपसे कि उसने पासा उछाला है, ठीक है, और आने वाली, उस पर आने वाली संख्या जो होनी चाहिए वो 5 होनी चाहिए, टोटल कितनी बनेगी बताइए भाई। सवाल है कि एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 5 में से 4 बार सत्य बोलता है और वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 5 है, 4 बार सत्य बोल रहा है और 1 बार असत्य बोल रहा है, 5 में से 4 बार सत्य बोल रहा है, ठीक है ना। तो हम ये मान लेते हैं कि 5 आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 5 में से 1 बार सत्य बोलेगा, ठीक है ना, यानी 1 बार ही 5 आया होगा, 5 बार बताएगा तो 5 में से 1 बार 5 आएगा और 4 बार नहीं आएगा, तो 5 आने की प्रायिकता हो गई हमारी ये। अब 5 ना आने की प्रायिकता इसी को हमने मान रखा है क्या, बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5। अब 5 ना आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता वो हो जाएगी 1-5 आने की प्रायिकता, ये सब पीछे की क्लास में पढ़ाया जा चुका है, जिसने पढ़ा होगा उसको आता होगा, 1-, ये बनेगा सीधे सीधे, तो आपका बन जाएगा 5 में 4/5, ठीक है, ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब इसी में उसने पूछा है कि क्या
प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या 5 है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पासे पर आने वाली संख्या 5 है, लेकिन पहले ये ध्यान देना है कि इसमें से कुछ और भी चीजें निकाल लेते हैं। जैसे मानते हैं कि पासा उछला, ठीक है ना, और 5 आया, पहले आने की प्रायिकता है, तो 5 जब आया तो एक घटना घट गई, ठीक है, 5 आने की प्रायिकता। अब इसमें से वो आपसे कहेगा कि 5 आने की प्रायिकता है तो ठीक है, लेकिन वो बता रहा है, बता क्या रहा है ना, घटना ही हमने ए मान रखी, ठीक। नहीं समझ में आया, सवाल में था कि वो क्या कर रहा है, एक बार 5 आ रहा है या ना भी आ रहा है तो बता रहा है कि 5 आ रहा है, ठीक है ना, झूठी बोल रहा है सही बोल रहा है, और 5 में से 4 बार सत्य बोल रहा है और एक बार असत्य बोल रहा है। तो कुल मिलाकर क्या कह रहा है कि 5 आने की प्रायिकता तो हमने निकाल ली, ये थी। जैसे हम क्या करते थे, गेंद को में से थैले को चुनते थे, तो पहले हमने ये निकाल लिया। अब इसके बाद हम करते थे, एक काम हो गया, थैला चुन लिया गया, तो अब हम पासा वो निकालते थे, गेंद निकालते थे, ऐसे इसमें करेंगे। पासा मतलब 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है ना, चूंकि बता रहा है वो, तो बताने वाला गलत कर रहा है या सही कर रहा है वो चीज देखनी। इसका आंसर जरा देखिए क्या है, एक बटे दो, आने के प्रयत्न ये सब निकाल लिया। चलिए थोड़ा सा आगे अच्छे से देखते हैं। इसी में यहां समझते हैं कि निकालते हैं कि व्यक्ति के सत्य बोलने की प्रायिकता, व्यक्ति के सत्य बोलने की प्रायिकता, प्रायिकता व्यक्ति सत्य तब बोलेगा जब 5 आया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 5 के आने की घटना देखनी है, वो क्या थी, वो थी हमारी बी, मतलब एक घटना घटी होगी, 5 आया होगा तब वो सत्य बोला होगा, सत्य तभी बोलेगा जब 5 बताएगा, तो ये हो गया सत्य बोलने की घटना। लेकिन सत्य बोल कैसे रहा है वो चीज देखनी है। अब सत्य तब बोलेगा 5 में से 4 बार सत्य बोल रहा है, यानी 5 घटनाएं है टोटल और 5 में से 4 बार वो सत्य बोल रहा है, तो टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/5, ठीक है ना। अब इसी में वो मान लो झूठी बोल देता है तो सत्य ना बोलने की प्रायिकता निकालेंगे। जब सत्य ना बोलने की प्रायिकता निकालेंगे तो इसका हमने नाम वैसे चेंज कर रखा है पहले तो, लेकिन इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि 1 - सत्य बोलने की प्रायिकता, 1 - सत्य बोलने की प्रायिकता, और इसे हम ये भी लिख सकते हैं 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, और इसे हम 1 - 4/5 करेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा। लेकिन इसका नाम जो हम देंगे वो देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले तो सत्य ना बोलने की, मतलब असत्य बोलने की, तो असत्य तभी बोलेगा जब 5 ना आया होगा, तो वो है हमारे पास सी, यानी 5 नहीं आया है लेकिन फिर भी वो झूठ बोल रहा है, कह रहा है हाँ क्या हुआ है 5 आया है, तो ये सत्य ना बोलने की प्रायिकता, बता क्या रहा है 5 आया, क्या है 5 नहीं आया, ठीक। यहाँ 5 आया था, बता रहा है कि 5 आया है, तो ये तो सत्य बोल रहा है, 5 में से 4 घटनाओं में सत्य बोल रहा है, लेकिन यहाँ 5 में से 1 घटना में केवल सत्य बोल असत्य बोल रहा है, ठीक है ना, 4 में सत्य और 1 में असत्य, तो ये हो गए। अब इसमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि पासे पर आने वाली संख्या 5 है, परिणाम दे दिया गया है, रिजल्टेड दे दिया गया है, ठीक है ना, आउटपुट दे दिया गया है कि 5 है। जैसे बोल दिया था कि थैले से निकाली हुई गेंद लाल है, तो उसमें हमारी बेज थ्योरम लगती थी, ठीक है ना, बेज की प्रमेय, बेज की प्रमेय से, बेज थ्योरम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आने वाली संख्या 5 है, तो 5 आने की घटना ये, ठीक है ना। इसके लिए
सबसे पहला काम ये होगा कि जब पांच आएगा तो सत्य बोलेगा, यानी पहले उसको सत्य बोलना पड़ेगा, ठीक है ना, और तभी क्या आएगा पांच, ये निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए अब पहली घटना करनी पड़ेगी क्या कि मान लेते हैं कि पांच आया, ठीक है, और जब पांच आया तो उसने प्रोबेबिलिटी आप बी लगी, ठीक है ना, पांच आने की प्रायिकता। फिर अब जब पांच आ गया तो उसने बोला है सत्य, ठीक है ना, मतलब बताया है, तो वो हम इस पे पहुंचेंगे ए अपॉन बी ये बटे। अब आते हैं पूरे दोनों वाले पार्ट में, तो आप देख सकते हो पूरा पूरा इसी तरीके से कि बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन सी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो जिसको सबके मान रखिए, सॉल्व कर लीजिए पहले वाले सवाल के तरीके, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। सवाल कह रहा था कि वो क्या करता है कि पासा उछालता है और पांच बार उछालता है, पांच में से चार बार सही सही बताता है और एक बार गलत बताता है, ठीक है ना। तो जो हमारी संभावनाएं बनेंगी टोटल तीन बनेगी, एक पहली तो ये बनेगी कि वो बता रहा है, तो बताने की उसकी जो हमने घटना मान ली वो ए मान ली। इसके बाद पांच आ रहा है तो आया होगा तब भी उसने कुछ बताया होगा, और ना भी आया होगा तब भी वो बता रहा है, ठीक है ना। तो एक तो काम समय बराबर कर रहा है, एक घटना मान रहा है, लेकिन पांच आने की घटना वो हमने बी मान रखी, ना आने की सी मान रखी। अब पांच आने की हमने निकाली तो वो ये होगी कि पांच में से, पांच घटनाओं में से एक में असत्य बोल रहा है, यानी पांच केवल क्या कर रहा है, इसमें से पांच आने की प्रायिकता ज्ञात करनी, ठीक है ना। तो पांच में से जब आने की निकालेंगे तो किसमें आया होगा, एक में किसी में आया होगा, ठीक है ना, आएगा तो एक में आएगा, तो पांच में से एक हो गई। इसके बाद हमने इसको नाम दे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मान लिया, क्योंकि बी घटना आने की है, और ना आने की हम यहां से निकाल लेंगे, ठीक, इसके लिए फार्मूला पढ़ चुके हो। व्यक्ति के सत्य बोलने की, तो सत्य तो चार बार बोल रहा है पांच में से, ठीक है ना, पांच में से चार बार सही बोल रहा है, तो चार बटे पांच हुई। अब इसका हम सत्य ना बोलने का निकालेंगे तो ये निकल आएगा। इसके बाद ये आपको बेस थ्योरम वाला पार्ट है, वो आप बेस थ्योरम में पढ़ चुके हैं, ठीक है, इतना नोट करिए, इसको सॉल्व करिए, फिर हमको आंसर बताइए कितना।